श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि IDFC बैंक ने आधार पे सर्विस शुरू की है। अभी आधार पे सर्विस क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपके पास कैश नहीं है और ना ही डिजिटल पेमेंट के लिए स्मार्टफोन है तब भी आप दुकान पर जाकर अपनी पसंद का सामान खरीद सकते हैं। निजी क्षेत्र के नए बैंक IDFC बैंक ने आधार पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। ये सिस्टम आधार नंबर के जरिए ही काम करता है। आप दुकान पर जाएं और आधार को आधार नंबर बता दीजिए, इसके बाद अपना अंगूठा स्वाइप मशीन पर लगा दें, बस आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। इस तरह आधार पे पेमेंट सर्विस लॉन्च करने वाला IDFC देश का पहला बैंक बन गया है। अभी IDFC बैंक ने देश का पहला आधार पे लॉन्च किया है। इसके जरिए किसी भी बैंक के अपने बचत खाते से खरीदारी के लिए आप भुगतान कर सकते हैं और इस नई सर्विस में आपको किसी भी तरह की सर्विस चार्ज या व्यापारी को मर्चेंट डिस्काउंट यानी MDR वगैरह नहीं चुकानी है। इस सर्विस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपना आधार नंबर याद रखना है। फ़ोन को एक छोटे से बायोमेट्रिक सेंसर से जोड़ा जाएगा। दुकानदार के पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। इस स्मार्टफोन पर IDFC बैंक का विशेष ऐप डाउनलोड किया जाएगा। आपको जब भुगतान करना है तो दुकानदार के मोबाइल फ़ोन पर अपना आधार नंबर और सामान की कीमत तय करनी होगी, पंच कर दीजिए। इसके बाद सेंसर पर अपना अपना अंगूठा लगा दीजिए। इसी के सहारे आपकी पहचान साबित होगी और जैसे ही ऐसा होगा भुगतान पूरा हो जाएगा। भुगतान पूरा होते ही आपके मोबाइल नंबर पर सूचना आ जाएगी कि तय राशि आपके बैंक के खाते से निकाली गई है। सुविधा का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक का IDFC बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन व्यापारी का खाता होना चाहिए। ग्राहक के खाते से पैसा व्यापारी के खाते में पहुंच जाएगा और जब व्यापारी पैसा निकालना चाहे तो उसे कोई पैसा नहीं देना होगा, कोई फीस नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि ग्राहक को ना कोई पैसा देना है और नहीं व्यापारियों के मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR के रूप में पैसे कटेंगे। तो बायोमेट्रिक सेंसर के लिए कोई पैसा भी व्यापारी को नहीं चुकाना होगा। एक सेंसर की औसत कीमत करीब 2000 रुपये पड़ती है और ये सेंसर मुफ्त IDFC बैंक मुहैया करा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हर चीज़ मुफ्त है तो फिर IDFC बैंक को फ़ायदा क्या है। बैंक का मानना यह है कि छोटे दुकानदार उनके लिए नए ग्राहक बनाने का काम करेंगे, जबकि बैंक ये काम खुद करे तो उस पर खर्च ज़्यादा आता है। अभी ये जो खर्च बचेगा उसी के सारे नई भुगतान व्यवस्था चलाई जा सकती है। सरकार को उम्मीद है कि IDFC बैंक के बाद बाकी दूसरा बैंक भी आधार पे एक की सुविधा शुरू करेंगे। इस समय एक बार में आधार पे के जरिए 10,000 रुपये तक खरीदारी की जा सकती है, लेकिन इस बारे में संबंधित बैंक और ग्राहक के बीच हुए समझौते के आधार पर रकम तय होगी। IDFC बैंक ने आधार पे को लेकर 3 महीने पहले पायलट परियोजना शुरू की थी। 16 राज्यों के 1500 दुकानदारों के यहाँ पायलट योजना कामयाब रही, जिसके आधार पे ही आधार पे औपचारिक तौर पर लॉन्च की गई है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।